हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चने की दाल का हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चने की दाल ली, जिसे मैंने बॉईल करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। यहाँ मैंने तकरीबन 250 ग्राम घी लिया है, ये गर्म हो गया है। अब इसमें चने की दाल डालकर भुनेंगे। इसकी भुनाई में बहुत टाइम लगता है, इसे आप मीडियम फ्लेम में बहुत देर तक, जब तक इसमें खुशबू नहीं आने लग जाए तब तक आप इसकी भुनाई करें। ये देखिए, चने की दाल भुनना शुरू हो गई है। इसे मैंने तकरीबन आधा घंटा भुना है। ये देखिए, घी छोड़ना शुरू हो गया है और खुशबू भी आने लगी है। अब इसमें मैं शक्कर ऐड करूंगी। शक्कर उतनी ही लेंगे जितनी चने की दाल ली थी, यानी 500 ग्राम चने की दाल ली थी, तो 500 ग्राम ही शक्कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे ताकि शक्कर आसानी से मिल जाए। देखिए, शक्कर मिक्स हो गई है। शक्कर मिक्स होने में भी तकरीबन 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि शक्कर पानी छोड़ देती है, तो मैंने 15 मिनट और भुना है इसे। अब इसमें मावा मिक्स करेंगे। ये 150 ग्राम मावा है, इसे मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। साथ में ये 200 ग्राम नारियल का बुरादा है, इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसे आपस में मिक्स करके 10 मिनट और भुनेंगे। देखिए, चने की दाल का हलवा तैयार है। अब इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने काजू और बादाम लिए थे, इसे मैंने दरदरा कूट लिया है। अगर आप चाहें तो इसे बारीक कतर भी सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे। ये तैयार हो गया है, अब इसे डिश में निकाल देते हैं। देखिए, चने की दाल का हलवा तैयार है। इसे एक बार आप जरूर ट्राई करें, और अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।